हेलो फ्रेंड्स, दो हफ्तों से मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन जो आज मैं रेसिपी आप लोगों के पास लेके आई हूँ वो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोगों को चाहिए कटहल के पत्ते। इसको हम लोग अच्छे से धो लेंगे और आगे देखिए मैं क्या करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिता किचन वर्ल्ड एंड ब्लॉग। मैं नंदिता आप लोगों को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, कटहल को हमेशा सब्जी की तरह या डिजर्ट की तरह या फ्रूट्स की तरह हम लोग खाए हैं, और इस पत्ते को हम लोग कटहल के जो पत्ते होते हैं उसको हम लोग डिजर्ट बनाने की मोल्ड की तरह यूज किए हैं। और हमेशा हम लोग देखे हैं कटहल के पत्ते को बकरी और गाय बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन सुना है कभी आदमी भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ यूनिक रेसिपी के साथ मेरे चैनल पे आगे तक बने रहिए। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाए इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, कटहल के पत्ते या जैक फ्रूट की लीफ, इसके सब्जी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको छोटा छोटा करके काट लेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग भी इसको काट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने काट ली हूँ। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। चलिए पत्ते को काट लेने के बाद भी इसको हम लोग अच्छी तरह से और धो लेंगे। फ्रेंड्स, अभी इस बर्तन पे हम लोग पानी चढ़ा दिए हैं। अभी वहाँ पे जो कटहल के पत्ते हम लोग काट के रखे थे उसको डाल देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा एक मिनट तक इसको ब्लांच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग डाल दीजिए और एक मिनट तक उसको थोड़ा सा उबलने दीजिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको हम लोग ढक के रख देंगे। इसको हम लोग एक मिनट तक उबाल लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे बेसन एक कटोरी ले लेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे, उसके बाद प्याज कटा हुआ, लहसुन, अदरक ये सब छोटा छोटा करके काट लेंगे, और तलने के लिए हम लोग थोड़ा सा तेल ले लेंगे। दूसरी ओर एक मिनट तक उबाल लेने के बाद हम लोग इसके पानी को छान लेंगे। पानी को अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम लोग पत्ते को दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक हिस्से चटनी बनाने के लिए और दूसरे हिस्से में पकौड़ा बनाने के लिए। अभी पकौड़े बनाने के लिए वहाँ पे जो हिस्से रखे थे वहाँ पे जो एक कटोरी बेसन थे उसको डाल देंगे। उसके बाद हम लोग नमक डालेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, जो जो इंग्रेडिएंट था सभी को डाल के अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों का पकौड़ा का बैटर बनके रेडी हो चुका है। अभी चलिए इसको हम लोग तल लेंगे। अभी गैस के ऊपर एक हम लोग पैन चढ़ा देंगे और उसको गर्म होने देंगे, और वहाँ पे सरसों का तेल डाल देंगे और एक एक करके पकौड़े को तल लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग कभी सोचे थे कि कटहल के पत्तों से इतना सुंदर पकौड़ा बनके रेडी हो जाएगा? देखिए हम लोगों का पकौड़ा बनके हो चुका है। अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स, गरम गरम पकौड़ा बनके तो रेडी हो चुका है, लेकिन गरम गरम पकौड़े के साथ चटनी तो बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए कटहल के पत्तों की ही हम लोग चटनी बना के आप लोगों को सर्व करेंगे। और चटनी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए लहसुन की कलियां 10-12, ये छोटा छोटा है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही लिए हूँ, थोड़ा सा 1/2 इंच अदरक, 4 चिली, थोड़ा सा नींबू। अच्छी तरह से पीस लेने के बाद हम लोगों का चटनी बनके रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी आप लोग सोचे हैं इस पत्ते से भी इतना टेस्टी डिश बन सकता है, तो आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिए और एक बार घर पे जरूर बनाइए।